हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल चार्ट ऑफ ट्रेड। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 100 मेजर ग्लोबल इंडाइसेस का, उसमें क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है और एनुअल टाइम में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट ऑफ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है डाओ जोन्स का। और यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया मंथली, अगर आप डाओ जोन्स का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइस देखिए 2011 से जो ब्लैक लाइन यहाँ पे जा रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम में रेस्पेक्ट किया है। इवन 2020 में यहाँ पे एक बार प्राइस ने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन उसके नीचे सस्टेन कर नहीं पाया एंड स्प्रिंग जैसा यहाँ पे रिवर्सल हमको देखने को मिला था। एंड देखिए, अराउंड 10 ईयर्स का ए ब्लैक ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, जहाँ पे कि प्राइस अभी ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि मेजर सपोर्ट बन रहा है डाउ जोन्स के लिए। वो बन रहा है यहाँ पे 28,000 के आसपास एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस इस लेवल को अभी के लिए ब्रेक नहीं करेगा। जिस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला है एंड मल्टी ईयर का सपोर्ट, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस जो है ना इस ब्लैक लाइन को यहाँ पे रेस्पेक्ट करेगा। उसके साथ अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस देखिए यहाँ पे एक चैनल को फॉलो कर रहा है, जो ब्लू कलर का दो लाइन में यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। प्राइस देखिए इस चैनल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अगर प्राइस नीचे आएगा ना, जो कि बन रहा है 28,000 के आसपास, यहाँ पे प्राइस को मल्टी ईयर का सपोर्ट मिलेगा, जो कि अभी हम मंथली टाइम फ्रेम में एनालिसिस किए थे। उसके साथ इस डाउन ट्रेंड चैनल का यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी के लिए तो डाउ जोन्स का जो डाउन साइड है वो लिमिट है। शायद जो भी होगा ना, प्राइस यहाँ पे एक बार बाउंस करेगा, उसके बाद अगर कुछ रिवर्सल साइन देखने को मिलेगा वहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं अभी RSI को ऐड कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस देखिए यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस बनाया है। यहाँ पे एक बार मैं डाइवर्जेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, प्राइस यहाँ पे लोअर लो बना था एंड आप RSI के ऊपर यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखिए, RSI यहाँ पे नया लो यहाँ पे नहीं प्लेस किया था। क्लियर कट देखिए, यहाँ पे RSI ने एक डाइवर्जेंस बनाया था। इस दोनों लो के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी प्राइस यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। पहला तो मल्टी ईयर का सपोर्ट हो गया, उसके साथ सेकंड हो गया एक चैनल का लोअर बाउंड्री, थर्ड हो गया RSI डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट बन रहा है, जो कि यहाँ पे लो बना है 28,000 के आसपास। हाई प्रोबेबिलिटी की प्राइस इस लेवल को अभी होल्ड कर लेगा। एंड वर्स्ट के सीनियरों में प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा ना ये जो लो यहाँ पे बना है उसको टेस्ट कर सकता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर उसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अभी हम चलते हैं S&P 500 का चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, उसमें देखते हैं कि क्या चार्ट स्ट्रक्चर अभी बना है। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है S&P 500 का। एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ मंथली, आप इस चार्ट स्ट्रक्चर को भी देखिए। 2009 के आसपास से ना इस ब्लैक लाइन के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। प्राइस जब भी यहाँ पे इस ब्लैक लाइन के आसपास आ रहा है ना, प्राइस को डिमांड देखने को मिला है। एंड ये ट्रेल लाइन जो है अराउंड 13 इयर्स का आसपास है एंड अभी के लिए मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। एंड हाई प्रोबेबिलिटी की प्राइस जो है ना इस सपोर्ट को होल्ड कर सकता है, जो कि ऑलरेडी डाउ जोन्स का जो चार्ट है मैं टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी पोस्ट किया कर दिया था। एंड उस चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो टेलीग्राम में अवेलेबल है। एंड टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑलरेडी वहां पे अपलोड है। तो देखिए, मल्टी ईयर सपोर्ट यहां पे था एंड एग्जैक्टली यहां से प्राइस बाउंस हुआ है। अगर मैं आपको अभी वीकली टाइम फ्रेम में लेकर चलूंगा तो यहां पे प्राइस देखिए यहां पे सपोर्ट लिया एंड अगर RSI यहां पे प्लेस कर दूंगा तो देखिए यहां पे बिना एक डाइवर्जेंस हमको देखने को मिला है। ए हो गया प्राइस एंड ए हो गया RSI। देखिए, क्लियर कट प्राइस यहाँ पे नया लो लगाया था, लेकिन RSI यहाँ पे नया लो नहीं लगाया है। तो यहाँ पे डाउ जोन्स में एक वीकली टाइम फ्रेम में RSI डाइवर्जेंस है, उसके साथ S&P 500 का प्राइस में भी यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिला है। उसके साथ मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास प्राइस अभी ट्रेडिंग कर रहा है, जिसके वजह से प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है कि प्राइस इस लो को ब्रेक कर सकता है। क्लोजिंग बेसिस पर एक बार टेस्ट कर सकता है, लेकिन ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। यहाँ से तो प्राइस को कम से कम 5-10% ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद फिर से हम रिव्यू करेंगे कि क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड हम डॉलर इंडेक्स को ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं एंड उसी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं नैस्डैक का चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है
नास्डैक 100 का एंड इस ब्लैक लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा जो कि स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 2011 से एंड ये ब्लैक लाइन जो है ना अभी के लिए आता जो है मल्टीयर का सपोर्ट एंड देखिए मल्टीपल टाइम इस ब्लैक लाइन को यहाँ पे टेस्ट किया है एंड एग्जैक्टली इस मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास प्राइस अभी ट्रेडिंग कर रहा है जो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बनता है कि प्राइस यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। उसके साथ अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो प्राइस देखिए एग्जैक्टली वही लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। अगर नीचे आएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस यहाँ पे इंट्राडे बेसिस में यहाँ पे टेस्ट कर सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि प्राइस यहाँ से मूव दे सकता है क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि डाओ जोन्स एंड S&P 500 में ऑलरेडी RSI डाइवर्जेंस आ गया है इसीलिए हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ से एक बार कंटिन्यूएशन मूव दे सकता है लेकिन अगर नीचे आएगा ज्यादा से ज्यादा जो लेवल यहाँ पे बन रहा है ना 10,600 वही लेवल के आसपास आ सकता है जो कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन रहा है मल्टीयर का सपोर्ट का लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत है कि यहाँ पे एक बार कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। आई होप कि आप तीनों ग्लोबल मेजर इंडेक्सेस का एनालिसिस समझ पाए होंगे। तीनों इंडेक्सेस यहाँ पे मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रहा है यहाँ से अप मूव करने के लिए क्योंकि यहाँ पे दो इंडेक्सेस में ऑलरेडी RSI डाइवर्जेंस आ गया है। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।